हिरुजेन सारुटोबी एक रेस्पेक्टेड होकागे होने के बावजूद भी इन दद्दू को सबसे वर्स्ट होकागे माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मिनाडो और कुसिना के डेथ के बाद नारुतो का ख्याल नहीं रखा था। पता नहीं इस स्वर्ग में ये क्या ही मुंह दिखाए होंगे। खैर, आज के इस वीडियो में हम थर्ड होकागे हिरुजेन सारुटोबी के बारे में कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, सास्के सारुटोबी। ये नाम शायद ही तुमने सुना होगा, लेकिन यह आदमी हिरुजेन सारुटोबी के बाप थे, जिनको कि एक महान शिनोबी माना जाता है। और मिकोटो उचिहा ने अपने बच्चे का नाम सास्के उचिहा उन्हीं के नाम पे रखा था, ताकि वो एक दिन उन्हीं के जैसा एक महान शिनोबी बन पाए। हाँ, कितना महान बना हमें पता है। फैक्ट नंबर 2, तुम्हें पता है नारुतो के राइटर मासासे किशिमोटो का ओरिजिनल प्लान था थर्ड होकागे हिरुजेन सारुटोबी को एक डॉग बनाने का। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और अगर वो डॉग होते तो वो कुछ ऐसे दिखते, लेकिन बाद में उन्हें और उनके एडिटर को ये प्लान फालतू लगा, तो वो हिरुजेन को एक इंसान बनाए और उसके बदले काकाशी के पालतू कुत्ते पाकुन को एक बोलने वाला डॉग बनाए। फैक्ट नंबर 3, अकिरा टोरियामे के वर्ल्ड फेमस मांगा ड्रैगन बॉल हाईली इंस्पायर था जर्नी टू द वेस्ट नाम के एक चाइनीज नोवेल से। साथ ही मासासे किशिमोटो ने भी हिरुजेन सारुटोबी का समलिंग एनिमल किंग एनमा को जर्नी टू द वेस्ट के मंकी किंग सन वुकोंग से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। फैक्ट नंबर 4, ओरोचिमारु के साथ फाइनल बैटल में हिरुजेन के फेस टैचू पे एक हल्का सा क्रैक पड़ जाता है। हालांकि बाद में हमें ठीक ठाक दिखाया जाता है, लेकिन इस इमेज में आप ये क्रैक देख सकते हो, जो कि मे बी हिरुजेन के डेथ को रिजेबल करता होगा। फैक्ट नंबर 5, सीरीज में हमें हिरुजेन के बारे में तो काफ़ी कुछ बताया गया है, लेकिन उनके वाइफ बिवाका के बारे में उतना कुछ नहीं बताया गया है, जो कि एक टैलेंटेड मेडिकल निंजा है और वो मिडवाइफ का काम करती है, यानी बेबी डिलीवरी का काम। फैक्ट नंबर 6, थाड़ों का भले ही बहुत ही शरीफ दिखते होंगे, लेकिन वो उतने शरीफ है नहीं, क्योंकि जिराया और सारुटोबी-सान से लड़कियों के बाथ हाउस और चेंजिंग रूम में जासूसी करते थे। साथ ही नारुतो डाटा बुक के हिसाब से उनका हॉबी था जवान लड़कियों के साथ बातचीत करना। अरे भाई, कोई ये वीडियो उनके वाइफ को भेज देना। फैक्ट नंबर 7, जिसे मादरो को इस पूरी दुनिया में हाशिरामा से जैसे मादरो को सबसे ज्यादा हाशिरामा से फाइट करना पसंद है, वैसे ही हिरुजेन को सबसे ज्यादा उनके ग्रैंडसन कोनोहमारु से फाइट करने की इच्छा थी। नहीं, वो उसके छोटे वाले रूप से फाइट नहीं करना चाहते, वो उसके एडल्ट रूप यानी बोरुटो वाले फॉर्म से लड़ना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साफ भैया के वजह से उनका ये सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाया। फैक्ट नंबर 8, हमें पता है कि हिरुजेन के एक बेटे का नाम आसुमा सारुटोबी है, लेकिन क्योंकि कोनोहमारु उनका ग्रैंडसन है, तो यकीनन उनका एक दूसरा बेटा होगा जो कि कोनोहमारु का बाप है। हालांकि उनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि वो एक अंबू मेंबर है और वो जिसे शादी किए हैं वो भी एक अंबू है, यानी कोनोहमारु के मम्मी पापा दोनों ही अंबू में है। फैक्ट नंबर 9, हालांकि थर्ड होकागे का डेथ एपिसोड 80 में हो गया था, लेकिन नारुतो के एपिसोड 129 में हमें उनका भूत देखने को मिला था, जो कि साकुरो को डरा देता है। फैक्ट नंबर 10, थर्ड होकागे हिरुजेन सारुटोबी ने फर्स्ट निंजा वार में टोबिरामा के साथ मिलकर लड़े थे, सेकंड निंजा वार में वो और उनके स्टूडेंट्स लड़े थे, और थर्ड निंजा वार में भी उन्होंने पूरे नेशन को लीड किया था, और आखिर में फोर्थ निंजा वार में वो रीन कनेड होके आके लड़े थे, यानी वो एक लौते ऐसे निंजा बने जो कि चारों निंजा वार्स में पार्टिसिपेट किए हैं। तो दोस्तों, यही थे कुछ फैक्ट्स हमारे थर्ड होकागे हिरुजेन सारुटोबी के बारे में। आपको कौन सा फैक्ट पसंद आया और हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। सायोनारा।